हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। तो रिसेंटली हमने सोहिनी चंदान मेकअप आर्टिस्ट राजीव के बारे में बात किया था कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट को 3:30 को पहुंचना था ब्राइड को रेडी करने के लिए एंड वो शाम के 7:30 के अराउंड पहुंचा। अभी इस पे राजीव का रिस्पांस आया है जहां पे ही इज शेयरिंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी। तो पहले तो डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो लेट हुआ है, दोपहर के 3:30 को पहुंचना था बट 7:30 को पहुंचा, इस पे ही सेड कि ये इसलिए हुआ बिकॉज मॉर्निंग में कोई उसकी ब्राइड थी जिसकी हल्दी नहीं आई थी, उसने उसे लेट किया। देन दोपहर के स्लॉट में और एक ब्राइड थी जो सोहिनी नहीं थी, वो दूसरी ब्राइड ने भी समथिंग 2 घंटा कुछ लेट करा दिया। एंड दूसरी ब्राइड का लोकेशन एंड सोहिनी का होटल लोकेशन काफी दूर था एक दूसरे से, इस वजह से वो सोहिनी के वहाँ लेट पहुंचा। इवन ही सेड कि हम ब्राइड्स को स्लॉट देते हैं एंड स्लॉट देने के बाद अगर वो लेट करते हैं तो हम क्या करें। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, ब्राइड्स की डिमांड होती है तो हमें रुकना पड़ता है। इसलिए वो सोहिनी के वहाँ लेट पहुंचा बट उसने एंड में सोहिनी का मेकअप किया है, ये उसका बोलना था। अब ये सुन के आई वाज लाइक कि व्हाट इज ही सेइंग, कि उसके कंट्रोल में नहीं है। इवन उसके कमेंट्स में भी यही लिखा गया था, लोग उसे पूछ रहे थे ये कैसा रीजन है। ऑफ कोर्स उसके कंट्रोल में था, उसने एक दिन में इतनी ब्राइड्स क्यों ली, ओवरबुकिंग क्यों किया, बिकॉज सोहिनी के बाद भी शायद उसे एक ब्राइड के पास जाना था। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 ब्राइड्स एक दिन में, वो भी स्लॉट्स कई लोगों को उसने दोपहर का दिया था, तो ये होना ही था। दिस शोज दैट यू आर बैड एट मैनेजिंग टाइम एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, इतनी ब्राइड्स बुक करोगे तो डिले नहीं होगा। There is a term called unpredictable delay, unanticipated delay. हल्दी नहीं आया इसलिए ब्राइड को लेट हुआ, ज्वेलरी नहीं मिल रही थी इसलिए लेट हुआ। ये सारे reasons खुद राजीव ने दिए हैं, ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड डिलेज है। तो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पहले ही सब कंसिडर करके बफर्स रखता है कि मॉर्निंग को अगर मैंने एक ब्राइड ली तो हो सकता है काम दोपहर तक चले, तो बेटर है कि डायरेक्ट शाम को एक ब्राइड बुक करता हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है ना, वो टाइम भी कंसिडर करना पड़ेगा। सेइंग दिस कि अरे मैं तो पहुंच गया था, मैंने तो सोहिनी को डिच नहीं किया, इज रॉन्ग। आपने डिच किया है, इसकी बारात अगर 6 को आने वाली है ना, आप रात के 11 बजे पहुंचोगे एंड बोलोगे कि अरे मैं तो पहुंच गया था, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है? नहीं ना। तो गिविंग सच रीजंस कि मैं डिलेज कंट्रोल नहीं कर सकता, इन अ वे शोज दैट यू वर एट फॉल्ट। एंड दूसरी चीज ही वाज सेइंग कि उसने ब्राइड को ब्लॉक नहीं किया था, जस्ट दैट उसने अपने फोन को ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दिया था। अग्रीड, चलो यू डिड दिस, बट इट इज सेम एज ब्लॉकिंग हर। ब्लॉकिंग के डेफिनेशन पर मत जाओ, शी वॉज पैनिकिंग एंड शी वॉज नॉट एबल टू रीच यू, यू आर नॉट रिसीविंग हर कॉल्स, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम आ भी रहे हो कि नहीं, तो इट इज सेम एज ब्लॉकिंग हर। देन ही सेड बट मेरे असिस्टेंट्स तो पहुंच गए थे 4:30 के आसपास वेन्यू पे, बट ही नोस ही उसके असिस्टेंट ना मेकअप करने नहीं पहुंचे थे, वो जस्ट उसको आउटफिट पहनाने में हेल्प करने पहुंचे थे। तो यू कांट हाइड बिहाइंड सच रीजंस, एंड ऑफ द डे आउटफिट्स मैनेज हो जाता है। बट ये केस में सोहिनी को मेकअप आता था, तो एंड में आप नहीं भी आते तो वो कुछ कर लेती। बट वैसी ब्राइड का सोचो जिसे मेकअप नहीं आता करना, वो जस्ट आउटफिट पहन के क्या करेगी। आफ्टर दैट ही सेड कि सोहिनी ने मुझे पैसे दिए थे उसका मेकअप करने के लिए, सोशल मीडिया पेज पे मैं क्या डालूंगा उस पे वो नहीं बोल सकती। ऑफ कोर्स वो नहीं बोल सकती, आप कुछ भी डालो आपके पेज पे, बट अगर आप उसका फेस डाल रहे हो तो वो बोल सकती है। एंड जब उसने आपको बोला है कि कुछ भी मत डालना सोशल मीडिया पे, फिर भी आपने जो रिकॉर्ड किया था वो जाके सोशल मीडिया पे डालना सही नहीं है, बी कंसिडरेट। हाँ, अगर आपने सोहिनी को स्टूडियो में बुलाया होता टू क्रिएट अ लुक ऑन हर, देन इट इज योर वर्क, बट हियर आप सोहिनी के वहाँ पे जा रहे हो जो उसका प्राइवेट स्पेस है एंड आप मेकअप करने गए हो, सो यू कांट पुट दैट ऑन सोशल मीडिया अगर उसने नहीं बोला है तो। सोचो ये पर्सन इतना लेट पहुंचा, स्टिल सोहिनी उस पे चिल्लाई नहीं। मे बी सोहिनी को रूड नहीं होना होगा, इस वजह से उसने उस दिन पे ये बोल दिया होगा कि प्लीज कुछ भी सोशल मीडिया पे मत डालना, मैं पहले डालना चाहती हूँ, बट वो बार बार ये बात राजीव को बोल रही थी। इतने हिंट्स उसने क्लियरली ड्रॉप किए हैं कि क्यों वो ना बोल रही है। कुछ लोग रूडली ना नहीं बोलते कि नहीं वर्क पसंद आया तो मत डालो, एट टाइम्स लोग अलग वे से एक्सक्यूज देते हैं, बट जब उसने मल्टीपल टाइम्स बोल दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि उसे नहीं चाहिए कि आप कुछ भी डालो। एंड आप जब इतना ज्यादा लेट पहुंचे हो वेन्यू पे, तो आपने ये कंसिडर नहीं किया कि ब्राइट आपसे अपसेट होगी, एंड मे बी इस वजह से शी इज सेइंग ऑल दिस। एंड जब उसने निकालने बोला रील सोशल मीडिया से, तब आपने उसको बोला कि पहले बचे हुए पैसे दो फिर मैं निकालूंगा, दैट इज अनएथिकल। आप इतना ज्यादा लेट थे, क्या उस चीज के लिए आपने कभी कंपनसेट किया उस ब्राइट को? एंड और एक चैट सोहिनी शेयर, जहाँ पे एक ब्राइड अपना एक्सपीरियंस बता रही थी राजीव के साथ, उस चैट पे उस ब्राइड ने लिखा था कि उसके हस्बैंड एंड उसने पहले ही क्लियरली राजीव को बोला था कि कुछ भी सोशल मीडिया पे मत डालो, स्टिल उसने डाला। एंड जब उसे निकालने बोला गया, तब ही वो लाइक कि 20,000 भेजो तब निकालूंगा। ऑलरेडी ब्राइडल लुक का ना 10,000 जो चार्जेस थे वो उन्होंने पे कर दिया था, ये एक्स्ट्रा था टू रिमूव द रील। अगर ये बात सच है देन दिस इज वेरी रॉन्ग। लाइक मुआज ऑफ कोर्स अपना वर्क दिखा सकता है, बट ओनली इफ ब्राइड हाँ बोल रही है तो। अदरवाइज आप प्रोफेशनल मॉडल्स को हायर करो ना अपना वर्क दिखाने के लिए। सारे ब्राइड्स कंफर्टेबल नहीं होते, लेट मी बी वेरी ब्लंट हियर। एट टाइम्स ब्राइड ब्लाउज में बैठी रहती है मेकअप के लिए, बिकॉज आउटफिट पहन के अगर बैठ जाए तो उस पर कुछ गिर सकता है एंड आउटफिट खराब हो सकता है, इस वजह से जस्ट टॉप पहन के वो लोग बैठे रहते हैं। तो वो मोमेंट्स को भी मुआज एट टाइम्स बिना पूछे कभी कभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर सारी ड्रेप कैसे करना है ये भी ब्राइड को पहनाते वक्त दे रिकॉर्ड।
और इफ यू वॉन्ट टू टीच योर ऑडियंस या योर स्टूडेंट्स ना, देन हायर अ प्रोफेशनल मॉडल. ब्राइड का स्पेशल डे है, उसको क्यों प्रेशराइज कर रहे हो, उसे क्यों अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो. नॉट एवरी वन इज ओके शोइंग सो मच स्किन, नॉट एवरी वन इज ओके गेटिंग रिकॉर्डेड जब वो सिर्फ आधा रेडी होके बैठे हैं. ये तो अलग ही टाइप अभी चालू हो गया है बिफोर एंड आफ्टर का. कुछ लोग होते हैं कंजर्वेटिव एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट. मॉडल्स जो होती है ना, उन्हें अपना वर्क पता रहता है तो दे नो द प्रोटोकॉल्स. तो उनको हायर करने के बाद ऑफकोर्स आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो. एंड जो ब्राइड्स कंफर्टेबल हैं, जिन्होंने हाँ बोला है, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट जो ना बोल रही है उसकी बात तो सुनो. एट टाइम्स लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, खुल के बोल नहीं पाते. बाद में चैट पे जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो तभी उनसे बोलना कि पैसे दो, ये एक्चुअली गलत है. अपार्ट फ्रॉम दैट, राजीव वॉज ऑल्सो सेइंग कि सोहिनी ने बेस मेकअप जो उसके आने से पहले किया था ना, वो पूरा गलत था एंड उसे वो वापस निकाल के करना पड़ा. गलत हो सकता है आपके हिसाब से बिकॉज सबका टेक्निक अलग होता है, बट उसे मेकअप शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपकी वजह से ना, बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट रिसीविंग कॉल्स. उसके इन-लॉज वेट कर रहे थे सो दैट रिचुअल्स शुरू कर पाए. ऑलमोस्ट 7 बजे तक वो आपके लिए रुकी एंड फिर उसने जाके स्टार्ट किया. देन उसने इवन एक क्लिप शेयर किया जहाँ पे एक रिव्यू दिखाया जा रहा है दैट ब्राइड इज सेइंग कि हाँ हाँ लुक अच्छा लग रहा है, लुक टेक पसंद है. हाँ पसंद है. अभी वो क्लिप में दिख रहा है दैट सोहिनी आधे आधे मन से ये बोल रही है. उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, शी जस्ट सेड कि हाँ हाँ. एंड कोई अपने शादी के दिन कुछ झगड़ा वगैरह करना पसंद नहीं करता क्योंकि इट रुइंस एवरीथिंग. वाइब खराब हो जाता है एंड सब लोग मुंह पे रूड नहीं रहते कि कैसा लग रहा है. अगर किसने पूछा तो दे विल से कि नहीं अच्छा लग रहा है, तुमने अच्छा काम नहीं किया. एंड नो वन इज सेइंग दिस कि राजीव ने मेकअप अच्छा नहीं किया है. ऑफ कोर्स उसका टेक्निक अच्छा है, वो ब्राइड्स पे अच्छा मेकअप करता होगा, अमेजिंग स्किल होगा उसका. बट वो स्किल का क्या फायदा होने वाला है ब्राइड को अगर उसे इतना पैनिक वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है? तो क्या वो ये सब के लिए आपको हायर कर रही है? एंड क्लियरली वो आईब्रो के ऊपर जो डॉट्स है ना, वो दिख रहा है, टेढ़ा हुआ है मेकअप के दौरान. बट यू के टाइम नहीं था इतना, तो ब्राइड ने बोला रहने दो. एंड रॉ क्लिप्स अगर आप देखोगे ना तो यू विल नोटिस कि राजीव खुद भी स्ट्रेस में है, घाई कर रहा है क्योंकि समवेयर ही न्यू दिस कि एक्सट्रीमली लेट हुआ है, उसने मेसअप किया है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ही इज सेइंग कि अगर ब्राइड इतना पैनिक कर रही थी तो फोटोज में वाई शी इज स्माइलिंग, इतनी खुश क्यों दिख रही है? तो ये कैसा सवाल है? अरे कैमरा उस पर अगर फोकस करेगा तो वो उदास चेहरा बना के फोटोज लेगी क्या? एंड कितने बार नहीं होता, लोग एट टाइम्स चिढ़े रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ रहता है, स्टिल फैमिली फोटोज में दे स्माइल. प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को उसने हायर किया है, उन्हें पैसा दिया है, उदास चेहरा बना के वो थोड़ी फोटोज अपना खराब करेगी? दैट क्वेश्चन मेड नो सेंस एट ऑल. इमेजिन शादी के फोटोज में सोहिनी गुस्से वाले एक्सप्रेशन दे रही है जस्ट बिकॉज उसका मेकअप आर्टिस्ट लेट आया. वाई शी विल रुइन और अदर मोमेंट्स? प्लस ना उसके इन-लॉज ने पहले ही उसे सजेस्ट किया था कि वो किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर ना करे, वो खुद अच्छा मेकअप करती है तो शी शुड डू इट. तो कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा मेसअप हुआ तो वो खुद को भी ब्लेम कर रही थी कि उसे बात सुन लेना चाहिए था दूसरों. एंड लास्ट चीज जो कई लोगों ने पूछा है कि शादी दिसंबर में हुआ था एंड ये सब दिसंबर में हुआ, अभी मई में जाके वाई शी इज शेयरिंग हर स्टोरी? इसका सिंपल जवाब अगर मैं दूं तो सोहिनी की स्टोरी शेयर करने की वजह से सोचो कितने लोग अवेयर हुए हैं, कितने लोगों के साथ ये हो सकता था. एंड और एक चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, शादी के बाद एक फेज होता है जहाँ पे ब्राइड हैज टू सेटल डाउन क्योंकि ग्रूम अपना घर नहीं छोड़ता, ब्राइड छोड़ती है एंड पूरा नया एनवायरनमेंट में आती है. हस्बैंड के साथ उसके ट्रिप्स वगैरह प्लान्ड होंगे, देन और रिचुअल्स होते हैं, नए घर में उसे जाना है, वो इन लॉज के साथ वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है. तो पॉसिबिलिटी है सोहिनी के दिमाग में भी तभी आया नहीं होगा कि उसे वो स्टोरी शेयर करना होगा. बट तभी भी उसने एक पोस्ट डाला था जिसके कैप्शन में उसने लिखा था कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. वो अपने ऑडियंस को ना तो अभी भी बता रही थी. इवन इंस्टा स्टोरीज वाई अभी ये देखने मिल गया था कि 3:30 का टाइमिंग था एंड मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत लेट किया है एंड ये सब ना बहुत मंथ्स पहले ही उसने शेयर किया था, जस्ट दैट कंसोलिडेट नहीं किया था उसे. वो पोस्ट के नीचे अगर आप जाओगे ना तो उसके फैंस कई मंथ्स बाद भी उसे पूछ रहे थे कि प्लीज टेल अस द होल स्टोरी, क्या हुआ था एग्जैक्टली. तो अभी चलो 6 मंथ बाद भी अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करी है तो इट इज गुड थिंग ओनली ना, अदर्स आर गेटिंग अवेयर बिकॉज ऑफ दिस. सबके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता टू कॉल आउट सच बिग मेकअप आर्टिस्ट. कई लोगों के साथ ये हो चुका है बट उनकी बातें सुनी नहीं गई, बट सोहिनी ने जब शेयर किया उसका एक्सपीरियंस कई लोगों ने सुना. कौन अपने वेडिंग डे पे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगा? अगर कोई आगे जाके उसे बुक भी करने वाला होगा दे विल बी वेरी केयरफुल एंड पहले ही उसे वो बोल देंगे कि लेट मत आना, टाइम पे आना, बिकॉज उसका वर्क अच्छा है बट वो अनअवेलेबल रहता है. सोहिनी के जैसे कई लोगों के साथ ही हुआ है. एक कमेंट में एक लड़की ने लिखा था कि उसके शादी के लिए भी उसने इसे बुक किया था, बुकिंग का पूरा पेमेंट उसने ले लिया था बट शादी के दिन वो आया ही नहीं. जब वापस पैसे उसके फैमिली ने मांगे ना तभी ब्लॉक देम. और वो डमी पेजेस नहीं है जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, रियल पेजेस जिन पे उनका एक्चुअल नाम वगैरह लिखा हुआ है, दे आर राइटिंग ऑल सच थिंग्स एंड उनके पास स्क्रीनशॉट्स भी है चैट्स वगैरह के. अभी आई एम नॉट सेइंग ये सब सच है बट कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है. तो 10 में से 10 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, हो सकता है 2-3 थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो बट कुछ एक्सपीरियंसेस तो सच होंगे. एंड जिस वे से राजीव ने रिस्पॉन्स दिया है ना उससे इट इज़ वेरी क्लियर कि ये गलती उसने कई बार किया होगा. वो तो बोल रहा है कि डिले हुआ तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता,
ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है. अभी क्लियरली इज एट फॉल्ट, ही कांट ब्लेम द ब्राइड. सिंपल चीज है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कि मेकअप इंडस्ट्री में राजीव काम करते हैं एंड आगे भी ही वांट्स टू वर्क. अभी ही कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड जस्ट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, अपोलोजाइज एंड मूव ऑन. गोइंग फॉरवर्ड उसे ये सब नहीं करना चाहिए, ओवरबुक नहीं करना चाहिए एंड लोगों की परमिशन के बिना सोशल मीडिया पे उनके मूवमेंट्स नहीं डालने चाहिए. मे बी वो अवेयर नहीं होगा, पहले उसका ये मिसकंसेप्शन था कि ब्राइड पे उसने काम किया है तो वो उसका वर्क हो गया. But it is bride's face. You hire a model if you want to show your work. In this case, bride has hired you. She has paid for your services. She is in no way is obligated to be on your social media page also. Agar wo issues address karega na, then log forgive bhi kar denge. But here is just playing a blame game and काफी mature answers वो दे रहा है. He should take responsibility and आगे जाके उसे किससे पैसे नहीं मांगने चाहिए reel हटाने के लिए. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि राजीव का response सुनने के बाद आपको क्या लगा. And if you want to get followers on Instagram, जिसका link आपको description में मिल जाएगा. और ये video अच्छी लगी तो like and share करें और ऐसे और updates के लिए channel को please subscribe करें. Thank you.